कुछ मॉर्निंग मार्केट्स तो बिल्कुल वर्ड लग ही नहीं रही। इनफैक्ट ग्रीन कलर नहीं, डार्क ग्रीन कलर में आपको ग्लोबल क्यूज दिखे हैं और एसएक्स निफ्टी भी आपको इसी तरह से दिखाई दे रहा है। आपके क्या आज टॉप कॉल्स होंगे और आपकी हाईएस्ट कन्विक्शन कॉल यानी कॉल ऑफ द डे क्या होगी? नमस्कार एंड आपको और आपके सारे दर्शकों को वेरी हैप्पी होली। देखिए काफी सारे पॉइंट्स तो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, शेयर कर लिए हैं, मैं कुछ रिइटरेट ही करना चाहूंगा एट दिस पॉइंट। लेकिन निफ्टी जिस तरह से गैप अप हो रहा है, हमने एसजीएक्स निफ्टी में भी देखा, एसजीएक्स निफ्टी सुबह करीब 350 पॉइंट्स प्लस ऊपर था, तो जरा सा कूल ऑफ तो हमने वहीं होते हुए देख लिया है। देयर इज अ गुड चांस कि मार्केट्स ओपन होंगे और जरा सा कूल ऑफ होंगे। ध्यान रहे कि शॉर्ट वीक है, आज एक्चुअली वीक का लास्ट डे है, तो जरा सा प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। मेरे लेवल्स इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू रुद्रास, विच इज 16,900 के आसपास मार्केट में सपोर्ट देख रहे हैं हम। कल ही हमने वीकली ऑप्शंस में 16,900 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट बनते हुए देखा था, तो एनीवे दैट वाज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट। और अब तो जिस तरह से मार्केट गैप अप हो रहा है, दैट विल फॉर्म अ बेस। 17,400 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जहां हमने कॉल राइटिंग देखी है और मार्केट्स ऊपर आके पहले भी यहां से टर्न अराउंड हुए हैं, तो 17,400 विल रिमेन यू नो अ क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल। जरा सा डिप में बाय साइड पे बने रहिए। तो बैंक निफ्टी इज अ स्लाइटली डिफरेंट यू नो एनिमल। बैंक्स आर आउट परफॉर्मिंग एंड देयर आउट परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। बैंक निफ्टी में अगर यू नो 36,200 या इसके नीचे मिलते हैं यू नो अपॉर्चुनिटीज, तो डेफिनेटली बाय किए जा सकते हैं विद 36,200 टू 36,400 के टारगेट्स एंड 35,500 जहां पे हमने अच्छा पुट फॉर्मेशन पुट बेस देखा है बनते हुए। स्टॉक कॉल्स की अगर बात करें तो मेरा पहला पिक है एंजल वन, ये मेरा पिक ऑफ द डे भी है। जिस तरह से मार्केट्स में हमने फॉल देखा था लास्ट यू नो एक से दो महीनों में, इस स्टॉक में उतना करेक्शन नहीं आया था। इनफैक्ट 1,200-1,250 के आसपास ये कंसोलिडेट ही कर रहा था और जैसे ही पहला चांस मिला, ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ यू नो ट्रेड कर रहा है। आई वुड बी सरप्राइज इफ द स्टॉक रीटेस्ट इट्स रीसेंट हाइज ऑफ 1500, लेकिन अगर जरा कंजर्वेटिव भी हूं तो भी 1450 के टारगेट से इसे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1400। मेरा अगला पिक है BDL। मार्केट्स गिर रहे थे और ये स्टॉक बढ़ रहा था, तो बढ़ते मार्केट में ये स्टॉक और भी ज्यादा बढ़ेगा। एक ट्रेंड बहुत ही यू नो पॉजिटिव स्ट्रक्चर, बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड फॉर्म हो रहा है इसमें, तो इसके लिए टारगेट्स रहेंगे 565 के और स्टॉप लॉस रहेगा 550 का। और मेरा लास्ट पिक है जो FNO यू नो जो FNO स्टॉक भी है वो है ओबेरॉय रियल्टी। हम देख रहे हैं कि रियल्टी स्टॉक्स में एक 10-year slump को ब्रेकआउट करके यू नो ग्राउंड लेवल पे भी हम डिमांड देख रहे हैं और स्टॉक्स में भी यही परफॉर्मेंस रेप्लिकेट हो रहा है, तो 940 के टारगेट से ओबेरॉय रियल्टी बाय किया जा सकता है। पहले भी स्टॉक में यहाँ रेजिस्टेंस आया है, कॉल बेस भी है, तो हो सकता है 940 के आसपास इस स्टॉक में जरा सा रेजिस्टेंस दिखे, लेकिन 940 तक इस स्टॉक में जाने का दमखम है और स्टॉप लॉस रहेगा 920 का। रायकुश की तरफ से आती हुई